सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को और पाइए चैनल से जुड़ी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर अस्थिर, मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूँ। कल यूपी पुलिस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आंसर की अपलोड की थी। उस आंसर की में जो स्टूडेंट्स अपने आंसर्स चेक कर रहे हैं तो उनके इन आंसर्स में बहुत सारी कमियां सामने आ रही हैं, जिसके कारण वो बहुत ही परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि क्या मैंने क्वेश्चन सही किया था या क्वेश्चन गलत आंसर यहाँ पे टाइप हुए। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो परेशान घूम रहे हैं। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स भी किया है, मैसेज भी किया, उन्होंने बताया है कि सर मेरे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो गलत हो रहे हैं, हमने किया कुछ था इसमें आंसर कुछ निकल गया है। तो उन सभी के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आपके क्वेश्चंस अगर कुछ ऐसे हैं जिन्होंने आपको जिनको आपने सॉल्व किया था उनके आंसर्स जो गलत हैं, तो उनके लिए आपत्ति पोर्टल बनाया है, आप उस पर जाकर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और जहाँ तक जो आंसर्स का भी हमने अवलोकन किया, हमने देखा है कि जो आंसर्स की उन्होंने निकाली तो उन आंसर्स की में सही में है बहुत सी कमियां हैं। आंसर की कमियां इस प्रकार से कि जैसे आपने अगर 80 नंबर पेपर दिया था, मतलब आपका टेस्ट पेपर नंबर 80 था, तो आपके हिंदी के क्वेश्चंस के आंसर 80 में मिलेंगे और तो आपके जो बाकी पोर्शन रीजनिंग और आपके जो मैथ के क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो आपको 81 में मिलेंगे। मतलब आंसर्स जो हैं वो अलग अलग सेट के जो हैं आंसर्स एक सेट में ना लेकर, एक सेट से ना उठाकर उन्हें गलती से दो तीन सेट्स के आंसर जो हैं वो गलती से एक सेट में रख दिए हैं। तो इस प्रकार से आंसर जो हैं वो इधर उधर हो गए हैं। तो उसके लिए उन्होंने जो है अभी कोई जानकारी ऑफिशियल नहीं निकाली है, लेकिन अभी जो मैंने देखा उसमें मैंने यही पाया है कि अगर आपने 80 नंबर टेस्ट सीरीज का पेपर दिया है तो उसका आंसर 81 पर मिलता है, कुछ पोर्शन 80 मिलता है और कुछ 79 पर मिलता है। जो कि कमियां जो हैं वो वहाँ पर टाइपिंग के समय आई हैं या जिसके कारण इंटरनल कमियां जो हैं वो जिसके कारण बच्चे जो हैं वो परेशान हैं। तो आप बिल्कुल परेशान होने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन जो है वो गलत है, तो उसके लिए आप जो है ऑफिशियल साइट पर जाकर जो आपने जो अपने पोर्टल बनाया है उस पोर्टल पर आप अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अभी कुछ समय पहले एक जानकारी और भी निकल कर आई है, जानकारी ये निकल के आई है कि जो उन्होंने आपत्ति के लिए जो पोर्टल तैयार किया था उस पोर्टल को उन्होंने लिंक को उन्होंने समाप्त कर दिया। वहाँ पर इस समय जो ऑनलाइन जो आपत्ति के लिए जो बनाया था उसको ख़त्म कर दिया, जिसका मतलब है कि वो उसको सुधार कर रहे हैं, जल्द ही नई आंसर की निकाली जाएगी। लेकिन फिर भी आप लगातार कंटिन्यू जो है वो आपत्ति का जो लिंक है वो देखते रहिए, कहीं अगर वो लिंक दोबारा फिर से आता है तो जो भी क्वेश्चंस में आपकी आपत्तियाँ हैं उनके खिलाफ आप आपत्ति करें। दूसरी चीज़ जो बहुत से बच्चे इस चीज़ में भी परेशान है कि क्या पेपर निरस्त कर दिया गया है या निरस्त नहीं किया गया है, पेपर जो कैंसिल तो नहीं हो रहा है, कोई दूसरी तारीख को पेपर तो नहीं होना, तो उन लोगों के लिए भी मैं जानकारी लेकर ये आया हूँ कि किसी प्रकार से परीक्षा अभी निरस्त नहीं की गई है। हाँ, अगर निरस्त की जाती है तो उससे संबंधित अगर कोई ऑफिशियल न्यूज़ आती है तो मैं उस ऑफिशियल न्यूज़ को आपके सामने जरूर रखूँगा, बट अभी तक की जानकारी के आधार पर कोई भी परीक्षा जो है वो निरस्त नहीं की गई है। तो चलिए, आप बिल्कुल परेशान ना होइए, मैं आपके साथ लगातार जुड़ा हूँ। किसी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं क्वेश्चंस में या किसी प्रकार की आपके सामने समस्या ये आ रही है कि आपको किसी चीज़ के लिए आपको सुझाव अच्छी तरीके से नहीं मिल पा रहा, तो हमारे कमेंट्स बॉक्स पर जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो ये है 8896267538। इस पर जाकर आप मुझे कमेंट्स बता भी सकते हैं कि आपको कौन सी जानकारी नहीं मिल पाई, जैसे अगर आप परेशान, तो मैं आपको इस ऑफिस जो वेबसाइट ऑफ व्हाट्सअप नंबर है इस पर मैं आपको जानकारी दूंगा और मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, भ्रमित ना होइए, कोई भी परेशानी है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज करिए, जिससे कि मैं आपके सुझाव को जो आपकी कम जो आप जिसके कारण भ्रमित है उसको मैं आपको आश्रय दूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।